अभी क्लास क्लास वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर टू फ्रॉम द विस्तास एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर किंग. चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज रिटन बाय काल्की एंड इन दिस चैप्टर द ऑथर tells us about the tiger king. The Maharaja of Patavanpuram is the hero of this story. In the previous lectures we have read that the Maharaja of Patavanpuram has been the magical character since his birth, and when he was born the astrologers from the entire kingdom came to the palace and they predicted that the royal infant would become warrior of warriors, hero of heroes and champion of champions. But he will have to face death someday or the other. Okay students, when the royal infant of 10 days wanted to know that the cause of his death, so the chief astrologer said to him that he was born in the star of the bull, and the bull and tiger are enemy, so the tiger would be the cause of his death. Okay students, देखिए finally chief astrologer ने इस बात को declare किया कि tiger ही राजा की मृत्यु का कारण बनेगा. तो देखिए वो जो 10 दिन का बच्चा था उसके मुँह से terrifying words निकले कि लेट द टाइगर्स बी वेयर, कि मैं आ रहा हूँ और टाइगर्स को सावधान कर दूँ. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव रेड दिस थिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू. सी द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर पार्ट टू. क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. अब देखिए जो क्राउन प्रिंस थे, द रॉयल इन्फेंट जंग जंग बहादुर स्टार्टेड ग्रोइंग टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. राजकुमार जंग जंग बहादुर धीरे धीरे वृद्धि कर रहे थे. ही वाज ग्रोइंग टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. अब देखिए कि नो मिरेकल टुक प्लेस आफ्टर दैट हैपनिंग दैट अकर्ड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ व्हेन ही वाज ओनली 10 डेज ओल्ड. तो देखिए ऑथर कहता है कि उनके बचपन में जो घटना घटित हुई उसके बाद कोई भी मिरेकल, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी रेड. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वाज ब्राउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स थे. अब देखिए जैसा कि सारे जो इंडियन स्टेट्स थे उनके क्राउन प्रिंस का पालन पोषण किया जाता था, इन द सेम वे दिस रॉयल इन्फेंट वाज ऑल्सो ब्राउट अप एंड ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश कॉप. ही वाज ब्राउट अप बाई एन इंग्लिश मैड, इंग्लिश नैनी,
He was tutored in English by an Englishman, and he saw nothing but only English movies, English films. देखिए जैसा कि इंडियन स्टेट्स के जितने भी क्राउन प्रिंस हुआ करते थे उनका पालन पोषण किया जाता था, ठीक उसी प्रकार इस रॉयल इन्फेंट का भी पालन पोषण किया गया। वो एक इंग्लिश काव का दूध पीता था, इंग्लिश मेड के द्वारा उसे पालन पोषण किया जाता था, इंग्लिश मैन के द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, और वो केवल इंग्लिश मूवीज देखता था। ही सॉ ओनली इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश फिल्म्स। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, द स्टेट व्हिच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। अब देखिए, व्हेन ही बीकेम 20 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 20 वर्ष का हुआ तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स, द स्टेट ऑफ कचवंतपुरम विच हैड बीन अंडर द आईज ऑफ द कोर्टियर्स विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स एंड ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ द स्टेट कचवंतपुरम। अब देखिए, जब वो 20 वर्ष का हुआ तो जो स्टेट थी कचवंतपुरम, जो अब तक दरबारियों के सहारे चल रहा था, कॉर्टियर्स के सहारे चल रहा था, अब उसके हाथों में आ गया। मीनिंग दैट भाई, व्हेन ही बिकेम 20 इयर्स ओल्ड ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ द स्टेट कचवंतपुरम। ओके, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, बट चिल्ड्रन व्हाट वाज द प्रोडक्ट मीन्स प्रेडिक्शन दैट द पीपल ऑफ कचवंतपुरम रिमेंबर्ड। क्या प्रेडिक्शन था, क्या पोर्टल था जो कि अभी भी कचवंतपुरम के लोगों को याद था, वो क्या था कि दैट द चीफ एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट द टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो ये प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणी लोगों को अभी भी याद थी जो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई थी। मैनी कॉन्टिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इस मैटर पर डिस्कस करते रहे, विचार विमर्श करते रहे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स एंड स्लोली द महाराजा ऑल्सो केम टू नो अबाउट दिस प्रेडिक्शन। धीरे धीरे ये भविष्यवाणी महाराजा के कानों तक पहुँच गई दैट द चीफ एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज ओनली 10 डेज ओल्ड दैट ही वाज बॉर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल and bull and tigers are enemies and so the tiger would be the cause of his death. So this thing also came to the ears of Maharaja. There were innumerable forests in the Pathuvanpuram state. अब देखिए बच्चों, Pathuvanpuram state में बहुत सारे जंगल थे। There were countless innumerable forest or jungles in the state of Pathuvanpuram. They had tigers in them and there were so many tigers in them. Good population of tigers were there. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. Maharaja knew the old saying, old maxim, old proverb. देखिए, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में, आप आत्म सुरक्षा करते हुए यदि आपको गाय का भी किलिंग करना पड़े, गाय को भी मारना पड़े, तो आप मार सकते हैं।
as the tiger is considered the honorable creature, and tiger is the national animal, and so the Maharaja knew the old saying कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप सेल्फ डिफेंस में अपनी सुरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं. तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. तो टाइगर्स को भी सेल्फ डिफेंस में मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट. तो देखिए महाराजा टाइगर हंट पर निकल पड़े. When this thing came to the Maharaja's ears that the tiger would be the cause of his death, so he at once started out for the tiger hunt. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. अब देखिए, the Maharaja was very much thrilled and excited limitlessly when he killed his first tiger. जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर मार गिराया तो he was very much thrilled and excited. उनके रोमांच और उत्तेजना का ठिकाना नहीं रहा. He became very much excited. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. तो देखिए तुरंत ही उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया. He at once sent for the state astrologer and the Maharaja at once showed him the dead tiger. और महाराजा ने उसे dead tiger को दिखाया. बोला I have killed this tiger. What do you say now? He demanded. And now the Maharaja of Patuvanpuram demanded and said to the astrologer, what do you say now? अब देखिए महाराजा ने चीफ एस्ट्रोलॉजर से कहा, अब बताइए आप क्या कहते हैं. आई हैव किल्ड दिस टाइगर एंड यू सैड दैट टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ माई डेथ. योर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड. अब देखिए एस्ट्रोलॉजर ने फिर कहा, हे राजा यू कैन किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. आप ठीक इसी तरह 99 टाइगर्स मार सकते हैं बट, और बट कहने के बाद रुक गया. ही स्टॉप्ड सेइंग. ही डिड नॉट कंप्लीट हिज स्टेटमेंट एंड स्टॉप सेइंग बट. उसने अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं किया और बट कहके रुक गया. देखिए महाराजा सेड, बट वॉट स्पीक डाउट फियर. बट वॉट यू कैन स्पीक डाउट एनी फियर. बोले बट क्या आप बिना किसी डर के बोल सकते हैं. तो देखिए एस्ट्रोलॉजर ने कहा, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. बोला योर मैजेस्टी यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. लेकिन हे महाराजा आपको 100 टाइगर से 100वें टाइगर से बेहद सावधान रहना पड़ेगा. मीनिंग देयर बाई द 100 टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ योर डेथ. अब फिर देखिए महाराजा कहता है कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड. बोले क्या हो यदि मैंने 100वां टाइगर भी मार गिराया. देन आई विल टियर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड. तब देखो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं तब अगर आपने 100वां टाइगर भी मार गिराया और तब मैं एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी बुक्स हैं उन्हें फाड़ दूंगा.
astrologer said that he would tear up all the books of his astrology and set fire to them. और उनमें आग लगा दूंगा. And he continued his statement. I shall cut off my tuft, throw off my hair short, and became an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा कि आई शेल कट ऑफ माई टफ, कहता है मैं अपनी चोटी को काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट और अपने बाल छोटे करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा. और विद दीज वर्ड्स he finished his saying, meaning thereby astrologer meant to say ke if his prediction would prove wrong in coming time and if the maharaja would be able to kill the 100 tiger, to surely he would tear up all फेक बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड ही वुड कट ऑफ हिज टफ्ट, क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट, एंड ही वुड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.